भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो टाटा आईपीएल का 37वां मैच खेला जाएगा, जो खेला जाएगा यहाँ पे और राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग के बीच में। ठीक है, इस मैच के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, बताऊंगा आपको कि कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, किसको आपको टीम में लेना है, किसको ड्रॉप करना है, सब कुछ मैं आपको क्लियर बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। और गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कल के मैच के बारे में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि फाफ डुप्लेसिस जो है इस मैच में फ्लॉप होगा और फ्लॉप हो गया। ठीक है, विराट कोहली को मैंने बोला था अच्छा पारी खेलेगा, अच्छा पारी खेला। एक चीज़ मैंने आपको और भी बताया था, विनिंदो हसरंगा इस मैच में विकेट्स लेगा, लेकिन विनिंदो हसरंगा 2 विकेट्स ले गया। ठीक है, तो जो भी मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, प्रेडिक्शन मतलब कि सही हो रहा है। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे हुआ क्या कि ड्रीम इलेवन पे अच्छा परफॉर्मेंस मैंने मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस मिला है, लेकिन वहीं विजन इलेवन पे लॉस हुआ है। ठीक है, तो फैंटेसी है, कभी लॉस होता है कभी विन होता है, लेकिन हाईएस्ट यहाँ पे हर बार विन करे हैं, एक दो मैचेस में हम लोग लॉस करे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें है यहाँ पे। मैंने ड्रीम इलेवन पे आपको जो स्मॉली की टीम दी थी, वहाँ पे विजय कुमार जो बेशक है उसको मैंने अपने टीम में रखा था, जिसका सिलेक्शन 2% था, और वहाँ पे जो है 2 विकेट्स निकाल के ले गया। ठीक है, बाकी 1 विकेट्स और उसको मिलता। रीज़न क्या है कि कौन एक जो प्लेयर्स था उतनी याद नहीं है, वह उसका मतलब कि विजय कुमार का जो बॉल कैच था वो छोड़ दिया। ठीक है, जसन रॉय खेल स्ट्राइक पे था, उसका कैच जो है एक फील्डर छोड़ दिया, नहीं तो यहाँ पे विजय कुमार को 3रा विकेट भी मिल जाता। ठीक है, तो और भी वहाँ पे एक क्लीन शिप होता ड्रीम इलेवन पे, लेकिन विजन इलेवन पे विजय कुमार बेशक नहीं था, जसन रॉय नहीं था, इसके कारण लॉस हुआ है। तो कभी लॉस कभी विन, लेकिन हाइएस्ट यहाँ पे विन ही होगी। अब चलिए इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि विजन इलेवन जो है आपको डेली आईपीएल के हर मैचेस में गिव अवे दे रहा है, जहाँ पे आपको फ्री में टीम ज्वाइन करना है, अपनी टीम बनाना है, और वहाँ पे फ्री में ज्वाइन करोगे फर्स्ट प्राइज 10,000 मिलेगा, और वहाँ पे 200-250 के समथिंग मेंबर्स रहते हैं, अगर उसमें से आते हो तब भी आपको वहाँ पे प्राइज मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, फैंटेसी खेलने का पूरा मन है, तो विजन इलेवन को डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री में आप डेली वहाँ पे प्ले कर सकते हो, पैसे विन कर सकते हो। एक चीज़ वहाँ पे और है, कंपटीशन काफ़ी कम है, तो विन करने का चांसेस आपको बन जाते हैं। और वहीं जो पुराना वाला रूल ड्रीम इलेवन पे था, 3 बैट्समैन 3 बॉलर्स को कंपलसरी था लेना, तो वही चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने वहाँ पे मतलब कि सुविधा है। प्लस अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो और मेरा रेफरल कोड यूज करोगे, 500 का बेनिफिट और मिल जाएगा। ठीक है, 500 रुपये का साइनअप बोनस। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ है मेरे पास, अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, मैंने मैच को कवर किया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसी के बेस पे मैं आपको टीम दूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। क्या है कि स्टार्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो अधिक लंबा हो जाता है, आप लोग वीडियो को पूरे नहीं देखते हो। ठीक है, तो गाइस अब यहाँ से कंटिन्यू ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिच रिपोर्ट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, ये जो मैच है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आईपीएल के 2023 में एक ही मैच खेला गया है, बाकी ये दूसरा मैच खेला जाना है। ओवरऑल एवरेज देखें तो 160 के आसपास आपको मिलेगा। अब गाइस, इन दोनों टीमों के बीच जो है यहाँ पे 27 बार मैच खेला जा चुका है, जिसमें से राजस्थान ने 12 मैच को विन किया है, चेन्नई ने यहाँ पे 15 मैच को विन किया है, और लास्ट 5 मैचेस में यहाँ पे देखे जो इस साल रिसेंट का जो मैच हुआ है, तो राजस्थान ने यहाँ पे 5 मैचेस में से 3 को विन किया है, 2 को लॉस किया है, वहीं यहाँ पे चेन्नई ने 4 को विन किया है, एक ही मैच को लॉस किया है। तो बैक टू बैक यहाँ पे दोनों मैच अच्छे परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, तो दोनों ही स्ट्रांग टीम है, ध्यान में रखना, टक्कर की मैच होने वाला है। अब यहाँ पे लास्ट 5 मैचेस में पेसर ने 33 विकेट्स निकाले हैं गाइज, यहाँ पे वहीं स्पिनर ने 18 विकेट्स निकाले हैं। ठीक है, तो पेसर स्पिनर को यहाँ पे हेल्प है। अब देखो, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने यहाँ पे 20 विकेट, सेकेंड में 13 विकेट, स्पिनर ने फर्स्ट में 10 विकेट, सेकेंड में 8 विकेट। तो पेसर को आप सेकेंड और फर्स्ट दोनों में ट्राई कर लेना, बट स्पिनर को आपको यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करना है। अब देखो, मैं आपको 2 ऐसे स्पिनर्स बताऊंगा जिसका मतलब कि
पूरा 100% कह सकते हो कि इस मैच में 2+ विकेट्स निकालने वाला है, ठीक है? तो ध्यान देना, वीडियो को कंटिन्यू देखना, आगे टीम बनाएंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि रीजन क्या है, कौन कितने विकेट्स निकालेगा, कैसे निकालेगा, ठीक है? तो ये हो गई, यहाँ पे स्कोर आपको मैंने बता ही दिया है 160-170 के आसपास मिलेंगे, बट यहाँ पे चेज भी होता है, जो छोटा स्कोर मिलेगा वो चेज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 191 का स्कोर भी एक बार चेज किया है दिल्ली कैपिटल्स के टीम ने, 161 का स्कोर यहाँ पे आरआर ने चेज किया है, 151 पे 156 सीएसके ने चेज किया है, ठीक है? तो चेजिंग भी है, टॉस कोई भी टीम विन करेगी पहले फील्डिंग ही करेगी, ठीक है? तो अब चलो टीम सिलेक्शन की ओर, सब कुछ मैंने पिच रिपोर्ट के बारे में आपको बता दिया है, बैट्समैन को और बॉलर्स को पूरी हेल्प मिलने वाला है, और अच्छे जो बैट्समैन है वो अच्छा पारी यहाँ पे खेल जाएंगे, ठीक है? बाकी बॉलर्स को भी एडवांटेज है, ऑलराउंडर्स को भी एडवांटेज है, बैलेंसर पिच होने वाला है, ठीक है? अब चलिए टीम सिलेक्शन की ओर, तो गाइस देखो यहाँ पे हम ड्रीम इलेवन को ओपन कर लेते हैं, ओपन हो चुका है ड्रीम इलेवन, यहाँ पे इस मैच को ओपन करेंगे और यहाँ पे गाइस क्रिएट टीम पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन की, तो विकेट कीपर सेक्शन में ये चार प्लेयर जो है ऊपर के ये खेलने वाले हैं, बटलर, सैमसन, कनवे और धोनी, ठीक है? अब इन चारों में से आपको किसको लेना है, क्यों लेना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे बटलर को हम सबसे पहले लेने वाले हैं, काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है और बटलर का जो है इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है, 43 के एवरेज से यहाँ पे बल्लेबाजी करता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। संजू सैमसन यहाँ पे इस ग्राउंड पे इसका जो है रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 22 का एवरेज है, लेकिन हाईएस्ट चांस है कि संजू सैमसन इस मैच में फ्लॉप होने वाला है, उसका रीज़न क्या है, रविचंद्र अश्विन यहाँ पे 53 सॉरी यहाँ पे 52 गेंदों में शायद से 52 रन दिया है, लेकिन 3 बार आउट किया, ठीक है? तो ध्यान देना, चंद्र अश्विन जो है उसी वक्त बॉलिंग डालने आएगा, ठीक है, मिडिल ओवर में। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, तो सैमसन को हम यहाँ पे ड्रॉप करने वाले हैं, सैमसन जो है राइट हैंड बल्लेबाज है, और सॉरी यहाँ पे मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है? एक चीज़ ध्यान देना, अश्विन जो है उसी टीम का है, यहाँ पे क्या है कि रवि रवि रविंद्र जडेजा के बारे में आपको बता रहा था, ठीक है? लेकिन गलती से यहाँ पे अश्विन का नाम आ गया, ठीक है? तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे जडेजा जो है सैमसन को कई बार आउट किया है, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान देना, और जडेजा जो है लेफ्ट आर्म में स्पिनर है और सैमसन जो है यहाँ पे राइट हैंड बल्लेबाज है, ठीक है? तो राइटियों को लेफ्ट आर्म स्पिनर काफ़ी बार आउट किए हैं और उन्हीं को आउट करने के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाया जाता है, ठीक है? तो इसके यही एक रीज़न है कि सैमसन को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, सैमसन फ्लॉप हो सकता है, ठीक है? डेवन कनवे को भी इस मैच में हम ड्रॉप करेंगे, अगर आप चाहें तो ले सकते हो, उसका भी रीज़न है कि रविचंद्र अश्विन जो है कई बार आउट किया है डेवन कनवे के, लेकिन आप इस बॉलिंग में ले सकते हो क्योंकि अश्विन जो है आएगा मिडिल ओवर में गेंदबाजी करने और डेवन कनवे जो है ओपन करेगा, ठीक है? ओपन करेगा तो यहाँ पे ओपनिंग में और जो पावर प्ले है उसमें रन बनाएगा जो बना सकता है, बाकी 5 ओवर के बाद में 6 ओवर के बाद में अश्विन आ जाएगा तो इसको ले जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे कनवे को भी नहीं ले रहे हैं, और आगे टॉस के बाद में कैसी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग हम कनवे को भी ले सकते हैं। एमएस धोनी को आप ट्राई कर लेना, जीएल के टीमों में इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है। बाकी यहाँ पे एक ही प्लेयर को हम ले रहे हैं, बैटलर को। अब यहाँ पे गए को बैटिंग सेक्शन में है, गायकवाड, हेटमेयर है, यशस्वी जायसवाल है, अजिंक्य रहाणे है, अंबाती रायडू है, देवव्रत पाडिकल, शिवम दुबे है, इतने सारे प्लेयर्स खेलने वाले हैं। अब मैं किसको लेने वाला हूँ, क्यों लेने वाला हूँ, आपको किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो गायकवाड़ को हम स्मॉल लीग में ले रहे हैं, क्या है कि स्मॉल लीग में तो लेना पड़ेगा, लेकिन गायकवाड़ का हाईएस्ट चांस है कि इस मैच में फ्लॉप रहेगा, उसका रीज़न क्या है, ट्रेंट बोल्ट ने 22 गेंदों में इसको 3 बार आउट किया है और गायकवाड़ जो है ओपन करने वाला है, ट्रेंट बोल्ट यहाँ पे फर्स्ट में ही बॉलिंग डालने आ जाएगा। आपने कई मैचों में देखा है कि ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में ही विकेट्स अधिक निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, ट्रेंट बोल्ट इसको गायकवाड़ को ले जाएगा, ठीक है? बाकी स्मॉलिंग में अभी हम ले रहे हैं, सिमरन हेटमायर को आप ट्राई कर लेना, लेफ्टी बल्लेबाज है, लेकिन कारण क्या है कि यहाँ पे चेन्नई के टीमों में ऑफ स्पिनर दो दो है, यहाँ पे तिकसाना है, पूरे 4 ओवर बॉलिंग डालेगा, मोइन अली है, ठीक है? तो मोइन अली ने कई बार आउट किया है हेटमायर को, लेकिन तिकसाना भी आउट कर सकता है क्योंकि लेफ्टियों को आउट करने के लिए
स्पिनर जो है ऑफ स्पिनर बॉलिंग डालता है। तो अभी हम इसको ड्रॉप ही कर रहे हैं, स्मॉली के लिए थोड़ा रिस्क है, बैटिंग ऑर्डर डाउन है। यहाँ से लेने वाले हैं जायसवाल को। जायसवाल काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, ओपन करने वाला है और इस मैच में ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लेफ्टी बल्लेबाज है लेकिन यहाँ पे लेफ्टी महेश सिक्साना जो है ये शुरू में बॉलिंग नहीं डालेगा, मोइन अली शुरू में बॉलिंग नहीं डालेगा, यहाँ पे जसवी जायसवाल जो है ओपन करेगा। तो ये पावर प्ले में ही अपना पूरा मतलब कि रन बना लेगा, ठीक है। और इस ग्राउंड पे 44 का एवरेज है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जायसवाल को रखने वाले हैं, बाकी यहाँ पे अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करेंगे क्योंकि अजिंक्य रहाणे को 5 बार शायद से आउट किया है यहाँ पे रविचंद्र अश्विन, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है, अजिंक्य रहाणे आएगा मिडिल ओवर में और फिर यहाँ पे आएगा अश्विन, उसको ले जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ डेविड पाडिकल को, ठीक है। पाडिकल इम्पोर्टेंट है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और अच्छा मतलब कि इस मैच में अच्छा कर सकता है, ठीक है। और आप चाहे तो शिवम दुबे की भी ट्राई कर लेना। जीएल के लिए तो ट्रंप पिक रहेंगे शिवम दुबे, लेकिन अभी के लिए इन्हीं 3 बल्लेबाज को हम ले रहे हैं बैटिंग सेक्शन से। अब चलेंगे यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में जडेजा को रखेंगे, अली को रखेंगे, यहाँ पे अश्विन को रखेंगे, 3 ही ऑलराउंडर को रखेंगे। जैसन होल्डर को आप चाहे तो ले लेना, और टॉस के बाद में मैं भी लेने का मन होगा तो ले ही सकता हूँ, लेकिन अभी देखो जडेजा को मैं क्यों लिया। जडेजा जो है यहाँ पे लेफ्ट आर्म में स्पिनर है और सामने वाला टीम में यहाँ पे जोश बटलर हो गया, संजू हो गया, इसके अलावा यहाँ पे अश्विन हो गया, रविचंद्र अश्विन, ध्रुव जुरेल है, ऐसे ऐसे जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे राइटी प्लेयर्स हैं जिसको ये आसानी से आउट कर सकता है जडेजा। तो इस मैच में कंफर्म है कि 2 विकेट्स तो आपको दिला ही देंगे और बैटिंग से भी एडवांटेज आपको मिलेगा, अच्छे अच्छे शॉट मारता है, ठीक है। मोइन अली को मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि बॉलिंग बैटिंग दोनों जगह से बेनिफिट देने वाला है। मोइन अली जो है अभी भले ही 6 नंबर पे बैटिंग ऑर्डर में दिया हुआ है लेकिन 1 डाउन भी बल्लेबाजी करने आ जाता है, ठीक है। तो स्मॉली के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ऑफ स्पिनर है और अपोजिट में काफ़ी लेफ्ट हैंडर है, बॉलिंग डालेगा उसको आउट कर सकता है, ठीक है। अश्विन को मैं ले रहा हूँ, अश्विन को बल्लेबाजी आपने देख ही लिया होगा, प्लस ये है ऑफ स्पिनर गेंदबाज, ठीक है। सामने वाला टीम में डेवन कॉनवे हो गया, इसके अलावा यहाँ पे और भी लेफ्टी बल्लेबाज है जिसके सामने ये बॉलिंग डालेगा अश्विन, तो यहाँ पे उसके विकेट निकाल सकता है, ठीक है। तो अश्विन को भी मैं रख रहा हूँ, तो यहाँ पे रीजन मैंने बता दिया। अब चलिए चलते हैं कहाँ, बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में युजवेंद्र चहल को लेने वाले हैं, क्वालिटी लेग ब्रेक के स्पिनर है और गूगली भी डालता है, ठीक है। लेग ब्रेक गूगली दोनों ही बॉल डालता है और इस ग्राउंड पे इसका जो है रिकॉर्ड ठीक ठाक है। युजवेंद्र चहल का 3 मैच में 2 विकेट है, इस मैच में भी विकेट निकाल सकता है, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट का मैंने आपको बता ही दिया, शुरू में ही गायकवाड को ले जाएगा और इस मैच में 2 से 3 विकेट्स आपको निकाल के देने वाला है ट्रेंट बोल्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे महेश सिक्साना को मैंने बताया है आपको, ऑफ स्पिनर है, अपोजिट में लेफ्ट हैंडर काफ़ी है जिसके सामने बॉलिंग डालेगा विकेट निकाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे महेश सिक्साना को भी लेने वाला हूँ। एक चीज़ यहाँ पे और मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ देश पांडे को। लास्ट मैच में भले ही फ्लॉप रहा, विकेट लेस रहा, लेकिन इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के आपको दे सकता है। देश पांडे को जो है हेड टू हेड का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 2 मैच में 4 विकेट है, कंसिस्टेंस हर मैच में बंदा विकेट निकाल के ही आ रहा है, ठीक है। लास्ट मैच में भी 2 विकेट निकाला, उससे पहले विकेट लेस रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, देश पांडे को भी हम लेने वाले हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मोइन अली की जगह एक और बॉलर्स को यहाँ पे बढ़ा सकते हो, बट अभी के लिए जो टीम है यही है। यहाँ पे बात करेंगे सीधे कैप्टन और वाइस कैप्टन के, तो सीधे यहाँ पे आंख बंद करके कैप्टन आपको बना लेना है अश्विन को, ठीक है। अश्विन कैप्टन रहेगा और वाइस कैप्टन आप जडेजा को बना लेना, इसके अलावा जायसवाल को भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे गायकवाड़ को कैप्टन आप भूल के भी नहीं बनाना, बटलर को कैप्टन यहाँ पे बना सकते हो वाइस कैप्टन, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए जो टीम है यही टीम रहने वाली है, ऑलमोस्ट फाइनल टीम यही रहेगी। इसमें हम कुछ भी चेंजेस करेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, और जो विजन 11 है वहाँ पे भी आप यही फॉर्मेट को यूज कर सकते हो, प्लस जो जीएल का टीम है उसकी कम्बिनेशन कैसे करना है 2 कम्बिनेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, मन में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।